खुला में होने जा रहा है, कब से इसका आगाज होगा और इसके पीछे का मोटिव क्या है, क्या कुछ कहेंगे? जी, ये इंडिया डांस एक कम से कम लास्ट 4-5 साल से हम लोग संदीप सोपारकर जी से जुड़े हुए हैं। मैं नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय जो कि क्लासिकल डांस की कॉलेज है उसकी मैं प्रिंसिपल हूँ, और हम यहाँ इसलिए जुड़े कि संदीप जी हमेशा किसी कॉज को लेकर जुड़ते हैं। जैसे पहले उन्होंने एनिमल्स के लिए किया था, इस बार उन्होंने डाउन सिंड्रोम के लिए किया हुआ है। तो हमें ऐसे लगता है कि कुछ हम भी उन सोशल कॉजेज़ के लिए हम सब साथ में जुड़ते हैं, और वो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हम कुछ करते हैं सोसाइटी के लिए। एक्चुअली सो अलॉन्ग विद एक सोशल कॉज आई थिंक सो मैं इंडिया डांस जो बैनर है हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना ही जो हम परफॉर्म करते हैं उतना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जैसे कि आज मैम है, हम जब क्लासिकल देखते हैं, बॉलीवुड वेस्टर्न स्टाइल देखते हैं, हम भी एज एन आर्टिस्ट बहुत कुछ सीख पाते हैं एक दूसरे से। मतलब हर एक के स्टाइल्स अलग है, हर एक के परफॉर्मेंसेज अलग है, हर एक कोई पिछले 5-6 साल से कुछ ना कुछ यूनिक करने को ट्राई कर रहा है एवरी ईयर। एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द अदर रीजन अलॉन्ग विद द सोसाइटी एंड द कॉज के यहाँ आने में हम सब लोगों को, हम सभी को हमेशा बहुत खुशी होती है। Wow! Season 7 of India Dance Week, Dance with a Cause by a very young living legend, Dr. Sandeep Soparkar. बेहद खुशनसीब हूँ कि मुझे एक खूबसूरत मौका मिलता है to be with Dr. Sandeep Soparkar, right from Dubai, Norway, Zurich से लेकर जो हमने you know tour किए हैं, at the same time एक साथ जो हमारा मिलन है बहुत ही खूबसूरत रहा है। India Dance Week जहाँ you know everyone from all walks of life sare dance forms ko ye mauka milta hai to come together and become one, because wahi to maqsad hota hai, chahe wo music ho ya dance ka ho, artist ka yahi maqsad hota hai to make the world happier and for all of them to come together and become one. Mera beautiful connect with India Dance Week has always been with Dr. Sandeep Soparkar. I'm a big fan of his brilliant ballroom dancing of Dr. Sandeep Soparkar, and the same time जो इंटरनेशनल हमने शोज़ किए हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, यू नो हमें मौका मिलता है ऑफ नोइंग ईच अदर एंड अलाउिंग ईच अदर कि हम उन्हें स्पेस दें और अपने बेस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन द फॉर्म ऑफ डांस से सभी लोगों में खुशियाँ दें और प्यार बांटें। सो इट्स ऑल अबाउट द पर्सोनिफिकेशन ऑफ लव एंड हैविंग वन 18 कॉन्सिक्यूटिव राज गरबा टाइटल्स इन इंडिया एंड अमेरिका, डांस मेरे दिल के बहुत करीब है, और डॉक्टर संदीप जी मुझे मौका देते हैं to be the formal and official host for India Dance Week is my great honor. So aaj hum sab, right from snapping our fingers to tapping our toes to nodding our heads, and na sirf hum khush rahenge dance se balki hamari dil aur rooh tak khush ho jayegi with this India Dance Week day 1, aur hamara day 2 kal hai by Dr. Sandeep Soparkar. Love you Sandeep, thank you for this opportunity. Mere guru mere saath hain Umar Ali ma'am, jo maine फिल्म यू नो फिल्म का कोर्स किया है, तो उसमें जो डांस का हमारा ब्यूटीफुल थियोरी है इज बाय मैन, एंड आई बीन अ बिग फैन ऑफ ब्रांड टू, एंड आई बीन वेरी लकी टू डांस विद ब्रांड एंड टीम। पीपल नो मी एज एन एंकर ऑफ कोर्स, एज एन एक्ट्रेस नाउ, बट लेट मी टेल यू आई बीन एसोसिएटेड विद ब्रांड सिंस अ फ्यू ईयर्स नाउ, एंड आई लव टू डांस विद यू गाइज एंड लवली मीटिंग यू बिकॉज यू आर इन फोक डांस गरबा रमानु मने बदवा रहे छे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड हियर एट आवर इंडिया डांस वीक Season 7, Dance with a Cause by Dr. Sandeep Soparkar. Thank you. Thank you. स्वागत है, और इंडिया डांस वीक क्या कहना चाहेंगे और हमने सुना क्या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, दोबारा बताइएगा क्या कुछ है स्पेशल। वेल, इंडिया डांस वीक डांस फॉर अ कॉज का हमारा 7वां सीजन है, और इस साल हमने 2 चैरिटी के साथ इन्वॉल्वमेंट किया है। एक है आवा कायम जो रिसाइकल फ्लावर्स में काम करते हैं, और दूसरा है पॉट विच इज पेरेंट्स ऑफ डाउन सिंड्रोम, उनके साथ में जुड़े हैं हम लोग। और सारे 2 दिन का जो फेस्टिवल होगा, बहुत सारे डांस फॉर्म्स आप देखेंगे, इंटरनेशनल डांस फॉर्म्स तो होंगे ही, मेरा 1 घंटे का शो है ऑन वाई रोजेज आर रेड,
और क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, फोक डांसेस हैं, हिप हॉप है, कंटेम्प्रेरी है, बॉलीवुड है, हर तरह के डांस फॉर्म की हम बात करते हैं, आपको आज देखने को मिलेगा इस फेस्टिवल में। और कल हमारा ऑल इंडिया डांस कॉम्पिटिशन है, जिसके लिए मेरे काफ़ी सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स जो हैं वो जजिंग करने आने वाले हैं, और तुषार कपूर आएंगे एज द ग्रैंड चीफ गेस्ट टू गिव अवे द ग्रैंड प्राइज एज वेल। तो बहुत डांस सेलिब्रेशन होने वाला है, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। एब्सोल्युटली डांस फॉर अ कॉज पहले सीजन से लेकर के आज ये सेवन सीजन तक का ऑलवेज बीन डांस फॉर अ कॉज। डांस जो है वो लोगों को जोड़ता है, बांधता है और जागरूक करता है अपने आप को, एंड थ्रू डांस फॉर अ कॉज वही हम दिखाना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं। बहुत एक्साइटिंग है देखने के लिए शो, इतने सालों से चलते आ रहा है एंड परफॉर्मेंसेज, एंड दिस ईयर जैसे इन्होंने बोला कि स्पेशली डाउन सिंड्रोम एंड यू नो ये जो हमने एफिलिएट किया है विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट पर्सनली, क्योंकि वी हैड अ फैमिली मेंबर हुआ डाउन सिंड्रोम अ फ्यू इयर्स बैक, वी लॉस्ट, सो इट्स अ वेरी क्लोज थिंग टू आवर हार्ट, मी एंड मॉम्स यू नो, एंड ऑब्वियसली टू कम हियर एंड सपोर्ट हिम एंड टू सपोर्ट सच अ ग्रेट कॉज एंड साथ साथ में टू बी एबल टू वॉच सच अमेजिंग परफॉर्मेंसेस, लव यू। थैंक यू, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरी वन, आप सबको मेरा बहुत बहुत थैंक यू। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे बहुत खुशी है यहाँ आके, मैं खुश हूँ क्योंकि एक तो डांस जो मुझे बहुत पसंद है, और संदीप इतने अच्छे कॉज के लिए जो कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी अपनी तरफ से, और मेरे जैसे बहुत से लोग जो सिर्फ सोचते हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे लेकिन कभी कर नहीं पाते हैं, किसी ना किसी रीज़न से, कोई ना कोई वजह से हम लोग वो चीज़ कर ही नहीं पाते जो हम सोचते हैं, आज वो एटलीस्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं उसका पार्ट बन के यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आई एम रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मैंने मैम को मैसेज किया कि मैं चाहता हूँ आप मेरे शो पे चीफ गेस्ट बन के आएँ, और आज ओपनिंग सेरेमनी है उसकी, उसका उसकी शुरुआत करें अपने प्रेजेंस के साथ, और एक कॉल में एक मैसेज उन्होंने मुझे कहा मैं आऊँगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर एग्रीइंग टू कम, आई शुड से थैंक यू टू यू, थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट। थैंक यू मैम, उनके डांसेस के हम लोग सब शुरुआत से ही फैन रहे हैं, चाहे सुन साहिबा सुन हो या डांस डांस हो, इतने सारे फिल्में हैं सब देखी हैं और सबके गानों पर नाचे भी हैं हम लोग। सो अगर आप इसमें आए हमारे डांस फेस्टिवल में, इट इज़ एब्सोल्युटली वंडरफुल। फिनिक्स मार्केट सिटी, इंडिया फाइन आर्ट काउंसिल, एम्पल मिशन आपका स्वागत करता है, एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर बीइंग अ पार्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच जी। जी हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो गाना और लोगों को पसंद आया, आई एम हैप्पी, मतलब मुझे वो गाना थोड़ा सा अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा, एंड आई जस्ट वॉन्टेड कि मैं वो गाना करूँ, मैं चाहती थी वो गाना करूँ मैं, तो इसलिए मैंने किया, लोगों को पसंद आया है तो अच्छी अच्छा है, इट्स गुड। हाँ अभी तो बहुत जल्दी है कुछ बोलना, मैं बोल नहीं पाऊँगी, इट्स टू अर्ली। सल्यूट टू दिस मैन, संदीप जिनका नाम है, द वे ही डज ऑल दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स, देयर इज लॉट टू लर्न अंडर यू, द वे ही इज कंडक्टिंग दी शोज। द बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे इज आई वॉज जस्ट टोल्ड एक घंटे का एक्ट कर रहे हैं जो उन्होंने हर जगह परफॉर्म किया है इस वतन को छोड़ के, दिस इज वॉट ही इज डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम एवर, यू विल सी वंडरफुल थिंग्स हैपनिंग इन दीज नेक्स्ट टू डेज, एंड द कॉजेज वॉट ही इज एसोसिएटेड टू इज समथिंग रियली टचिंग टू द कोर। जैसे अभी भाई साहब ने कहा, सी दीज थिंग्स टच योर हार्ट, एंड द वे यू टेक इट फॉर संदीप जी, आई एम टेलिंग यू, यू हैव गॉट माइल्स टू गो अहेड। Thank you, sir.
all the best to you for all the future endeavors in life. मैं यही बोलूँगा कि डांस जो है उसको अपने साथ जोड़ के रखिए, हमेशा बांध के रखिए। गोपाल दास नीरज जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे। दुख में नाचो सुख में नाचो, जीवन है ताता थैया रे, कौन रे जाने कब उड़ जाए सांसों की सोन चिड़ैया रे। टू गुड। वेल, आज तो हमारे काफ़ी परफॉर्मेंस जो होने वाले हैं वो क्लासिकल के नालंदा से हैं, वो कार्ड मेरे राट से है, काफ़ी भिलाई छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं परफॉर्मेंस करने के लिए। कल का जो शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज ऑल इंडिया डांस चैम्पियनशिप है, इसका प्राइज मनी अनिल जी ने स्पॉन्सर किया है, और उसमें हमारे पास 700 एप्लीकेशन आई थी पूरे हिंदुस्तान से, हमने 10 सिलेक्ट की हैं, तो काफ़ी धमाल मचने वाला है। इट्स गोइंग टू बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डांसिंग। वी हैव पीपल फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम ऑफकोर्स बॉम्बे, छत्तीसगढ़ से लोग आए हैं, इलाहाबाद से लोग आए हैं, और कलकत्ता से आए हैं, बैंगलोर से आए हैं, काफ़ी तरफ से लोग आने वाले हैं। इन्जॉय योर सेल्फ टुमारो। इंटरनेशनल लोग तो नहीं आने वाले, आई होप आपके जरिए और आएंगे, अच्छा रहेगा। मैं यही बोलूँगा कि हम कोरियोग्राफर्स को कुछ गाने जो होते हैं बताए जाते हैं कि आप इनको देखिए, आप सीखेंगे किस तरह से कोरियोग्राफी काम होता है, और उसमें से हमने एक गाना सीखा था, मैम का गाना था वो, सुन साहिबा सुन, किस तरह से कोरियोग्राफी होती है, किस तरह से डांसर्स आते जाते हैं, तो वो सब जो हम कोरियोग्राफर्स को सीखने का मौका मिलता है वो आपके गानों से मिला है मैम। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सॉन्ग्स टू लर्न फ्रॉम, बिकॉज हम कोरियोग्राफी करना आसान काम नहीं है फिल्मों की, वेरी डिफिकल्ट जॉब, आर्टिस्ट को सिखाना पड़ता ही है, साथ साथ में डांसर को सिखाना पड़ता है, और कुछ ऐसे गाने होते हैं दे बिकम लेसन्स फॉर अस, तो आपका ये गाना हमारा लेसन बना था मैम। डांसिंग इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली, उसके लिए क्या बोलना चाहिए, एक क्या होना चाहिए, व्हाट यू कॉल दैट वर्ड, जज्बा, पैशन, पैशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं और एकदम से बोल देते हैं किसी को भी देख के, अच्छा है या अच्छा नहीं है, इट्स वेरी इजी, जब करने जाएंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है। तो जो करता है, जो सालों इसके ऊपर मेहनत करता है, सिर्फ वो बता सकता है कि उसमें मतलब कितना जान डालनी पड़ती है। जी जी, हम लोगों ने इसीलिए किया वो गाना बिकॉज हमें अच्छा लगा था, एंड वी वांटेड टू सी आवरसेल्फ हाउ वी आर लुकिंग एंड हाउ यू आर लुकिंग। वाओ, हाउ यू आर लुकिंग। तो आई एम श्योर लोगों को अच्छा लगा है, सब तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा काम भी मिल जाएगा। अगर ये मुझे लेंगे तो मुझे सिखाएंगे तो डेफिनेटली, बट इट्स बीन गुड, अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम ऑब्वियसली काम करने का मौका मिला था, और मॉम के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लर्निंग कर्व था मेरे लिए, बहुत कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में हुआ था, तो रियली नाइस। अभी डेफिनेटली आई एम ओपन अप होपफुली व्हाट एवर इन द फ्यूचर, यू नो विल सी, आई एम कमिंग फॉर। वो तो बहुत ही अमेजिंग इसलिए है क्योंकि हम सब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम के, ऑफकोर्स इज़ फ्रॉम आर बॉलीवुड फिल्म फ्रेटर्निटी, एंड जिनका जाना माना नाम है, और जिनके डांस फिल्म की वजह से डिस्को डांस पॉपुलर हो गया, वो हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट है। तो आज के पहली स्पेशल बात आज के हमारे इंडिया डांस वीक का यह है कि हमारी ऑनरेबल चीफ गेस्ट इज आर वन ऑफ द आइकॉनिक लीडिंग एक्ट्रेसेस ऑफ आर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑफ आर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, दैट इज़ मंदाकिनी जी। अ वेरी अमेजिंग फिल्म राम तेरी गंगा मैली से लेके सो मेनी सुपर हिट शी इज गिवन, एंड ऑफकोर्स समथिंग विच इज़ वेरी क्लोज टू आर हार्ट्स, जो है फिल्म डांस जिसमें डिस्को डांस पॉपुलराइज सिर्फ और सिर्फ उसी फिल्म की वजह से हुआ था, सो इट्स ट्रूली अमेजिंग। राइट फ्रॉम देयर तो जो हमारे परफॉर्मेंसेज हैं सारे, यू नो जो भी हमारे आज परफॉर्मर्स हैं, दे आर ऑल स्टॉलवर्ट्स इन देयर अरीना ऑफ वर्क,
डॉक्टर संदीप सोपारकर का जो परफॉर्मेंस है, वाना परफॉर्मेंस विच हैज़ ऑल द बॉलरूम डांसर्स, इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इनक्रेडिबली ऑसम. उमा रेले मैम्स नालंदा, जो हमारा ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस फॉर्म्स इंस्टीट्यूट, एंड दे आर ऑल्सो इन टू फोक डांस एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ डांसिंग, बट द मेन आर्ट इज द क्लासिकल डांस फॉर्म. जो उनका परफॉर्मेंस है, वी हैव द हूज़ हू परफॉर्मिंग हियर विद अस. अगेन वी हैव ब्रांड्स, यू नो दे आर इन टू मिक्सचर ऑफ फ्यूजन डांसेस, यू नो बी इट हिप हॉप. आई वॉन्ट टू परफॉर्म विथ योर डांस ट्रूप टू अ लिटिल, यू नो ग्लिम्स दैट वी गोना हैव. सो राइट फ्रॉम देयर से लेकर जो हमारे फोक डांसेस हैं, एवरी परफॉर्मेंस आर द हूज़ हू. द स्टॉलवर्ट्स सारे एस न्यूमरो ऊनो हैं, वो सब एक होकर आज डॉक्टर संदीप सोपारकर के इस इंडिया डांस वीक के शो में आए हैं. सो ऑल द रेस्ट ऑफ द परफॉर्मेंस, जो हमारे बैले परफॉर्मर्स हैं, दे अगेन द बेस्ट इन द कंट्री, एंड हमें इस एक जगह पे डे वन ऑफ इंडिया डांस वीक पर बैठ कर यू नो विटनेस हम कर सकते हैं द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द कंट्री, बट इंटरनेशनली रिनाउंड फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, बिकॉज सारे परफॉर्मर्स ये ऑल ओवर द वर्ल्ड परफॉर्म करते हैं. सो दैट इज ट्रूली बेहद खास बात. सो क्लासिकल में इस बार हम सिर्फ कथक लेके आए हैं, मगर हमारा थीम वैसे रसम आदर करके था, उसी को लेके आज चलने वाले हैं बच्चे. तो निराकार, आकाश से निराकार, वो उनकी जर्नी करने वाले हैं, उसके बारे में डांस करने वाले हैं. तो आप देखेंगे कि कथक भी बहुत ही सुंदर तरीके से, इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट करेंगे कि कहीं भी लगेगा नहीं कि वो क्लासिकल है, वो उसमें ऐसा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत ही खास खास हमारे यहाँ राजेंद्र रामरानी गुरु जी, जो कि बहुत नाम है जिनका कथक में, वो हमारे यहाँ फैकल्टी है. तो उनकी वजह से जो डांस की एक गरिमा है वो रखती, वो दे के आज के साथ सबके साथ खड़े रहने वाले बच्चे, तो मेरे लिए तो ये बहुत गर्व की बात है. जी, डॉक्टर संदीप ने ओवरऑल सारे डांस फॉर्म्स को कवर किया है, इंटरनेशनल फॉर्म्स एज वेल एज हमारे इंडियन डांस फॉर्म्स. सो यही खास बात है. एंड ये जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दो साल से द भारत महोत्सव, तो उनका यही मानना था कि इस बार हमारे इंडिया डांस वीक में, क्योंकि हमारा ये 7th सीजन है और दो साल का जो गैप हुआ था बिकॉज ऑफ वी ऑल नो द पैंडमिक, तो इस वजह से ही वॉन्टेड ऑल द डांस फॉर्म्स टू कम टुगेदर एंड बिकम वन. एंड इस एक प्लेटफॉर्म पर बैठ कर आप देखेंगे इन दिस एंटायर 2.5 ईयर आवर और 3 आवर शो में आपको द हूज हू परफॉर्म करते हुए दिखेंगे. एंड द बेस्ट परफॉर्मर ऑफकोर्स द मैन हिमसेल्फ डॉक्टर संदीप सोपारकर, जिनका वो ब्यूटिफुल 1 आवर का पूरा जो डांस फ्लो है देखने के लिए पूरी वर्ल्ड बेताब. Given to us, I think 7-8 years back, and it's a platform wherein we showcase our talent. At the same time, we promote our talent also. As I'm associated with a lot of schools, I'm teaching children from 4 years to 60-70 years of students. So we like to promote art. We like to promote. Now tomorrow also, when we are going to get these Down syndrome elderly students, they are also going to perform. We teach them also. So this is a very good platform for newcomers. It's a very good platform for everybody to understand different forms of dances. And this concept of this platform by Sandeep is a very good idea, and we all are always will support it. I also think that all of us are together, whichever dance style we do. Yeah, we all are together. There is a common platform ki har ek dance style saath mein judti hai aur koi kisi se kam nahi, hum sab ek hain. That's what I love about this India platform. Yeah.